नमस्कार सर। कहिए। मेरा नाम चंद्रशेखर है, बिल्डर हूँ। बीच रोड पर मेरी एक कंस्ट्रक्शन चालू है, वहाँ के लोकल गुंडों ने उसे रुकवा दिया और अब 50 लाख की डिमांड कर रहे हैं। कौन है वो? पांडा। अपनी कंप्लेंट लिखिए, मैं एक्शन लूंगा। ठीक है सर। पांडा। ए। पांडा, तुमने जितने मांगे थे ले आए। चल। डैडी। रुक जा। पांडा, तुमने जितने पैसे मांगे मैंने दे दिए, मेरी बेटी को छोड़ दो आप। डैडी। ये सब पुलिस स्टेशन जाने से पहले सोचना चाहिए था। तेरी तो मैं। मेरी बेटी को छोड़ो। अबे चल इधर। जुर्म करने वाले और जुर्म सहने वाले के बीच में हमेशा एक ही कवच होता है और वो है पुलिस। खाकी में खड़े इस शेर पर भरोसा कीजिए और अपनी कंप्लेंट लिखिए सर। Hey!
हेलो हेलो सर, सीता को लेने को कोई लड़का आया है और वो ऐसा साहब और बाकी पुलिस वालों की धुलाई कर रहा है। ए, रोक बे। चल घुमा पुलिस स्टेशन ले जल्दी। अबे तेज चलाना बे। अबे ये सब इसका प्लान है। ए, मंगलसूत्र दे, दे के जान छुड़ाता हूँ। थैंक्स। देख क्या रहा है, चल निकल, तेरे को बोल रहा हूँ, चल फुट। छोड़ दो, ए, छोड़ दो उसको। मुझे। ए, चल निकल तो यहाँ से। ये तू जा रहे। क्या भाई, सबको एक ही बार मारा और मेरे को दस दस बार मारा तुमने। तेरा लंगोटिया यार समझा है जो एक दो मार कर छोड़ दूंगा। पुलिस। तू पुलिस वाला हो या कोई पोस्टमैन? पता है तूने किसको ललकारा है? वाइजैग इलाके के वाइजैग ज्योति को। नाम से तो पता नहीं चलता लड़का या लड़की, क्यों मैं ज्योति? भाई आपके नाम की बेइज्जती कर रहा है। अरे छोड़ ना रे बाबा, प्यार से बोल रहा होगा, भड़क मत। आपके नाम से सब लोग इस इलाके में कांपते क्यों हैं? पावर पावर और वही पावर आपको उसको दिखानी होगी भाई। मेरे को फंसा कर खुद भाग गया भाई। आज मेरा लड़ने का मूड नहीं है, इसलिए तेरे को मैंने माफ किया। नहीं बेटा, अगर फिर किया ना, अगर तूने मेरे को एक बार और मारा तो देख लेना मैं क्या करूंगा। बताना क्या करेगा। मैं रो दूंगा सर। बहन तुम ही बोलो ना इसको। अगर किसी लड़की को आंख उठाकर भी देखा ना। भाग रहे बेटा। थैंक यू विजय। विजय 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 माँ। विजय डीजे मैं आ गया। आप ही ने कहा था ना कि आप इसके साथ रहेंगी, इसे बचाएंगी, तो बचाइए इसे, बचाइए। मेरा सपना था कि एस ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को मैं आदित्य ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में बदल दूं, और जो भी मेरे इस सपने के बीच में आएगा उसका यही हश्र होगा। तूने इसको बचाने के लिए कितनी मेहनत की। नहीं, अब मैं इसे तेरी ही आंखों के सामने मारूंगा। चल अब बता कौन जीता, तू जीता या मैं? हमारी हार और जीत तो इंसान के दो कदमों की तरह होती है, बस एक ही पल में हार जीत में बदल सकती है। मानना पड़ेगा। तुझे अभी भी लगता है कि जीत तेरी हो?
तुझे लग सकता है कि तू मेरे सामने इसे मारेगा तो मुझे क्यों नहीं लग सकता कि जीत मेरी होगी? लगता है तुझे गन का मतलब नहीं पता। अगर ये चल गई तो भेजा उड़ा देती है। कॉम्बैट मॉडल 9mm पिस्टल कैलिबर 45 ACP ट्रिगर सिंगल एक्शन मैगजीन कैपेसिटी 8 राउंड्स वेट 1077 ग्राम्स लोडेड मैगजीन वेट 123 ग्राम्स टोटल वेट 1200 ग्राम्स। 1200 ग्राम की वजन वाली पिस्टल से जब कोई पॉइंट ब्लैंक रेंज से निशाना लगाता है तो उसका हाथ 45 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, लेकिन तेरा हाथ 40 डिग्री के एंगल पर। मतलब तेरी गन में बुलेट्स नहीं है। बिना बुलेट्स की गन से भेजा उड़ाएगा कैसे? बुलेट्स कैसे नहीं है, मैंने खुद लोड की थी। ये देख, ये रही बुलेट्स। पुलिस के साथ खेल खेलने के लिए दिमाग बुलेट से भी ज्यादा तेज होना चाहिए। Now the show begins. जिस तरह तुम्हें वो पसंद है उसी तरह तुम भी मुझे पसंद हो, और वो हम दोनों के बीच में आ रहा है। ठोक तो साले को। रुको रुको प्लीज मत मारो। अच्छा नहीं मारे, जरा लेफ्ट में देखो।
गाड़ी का दरवाजा, मेरे घर का दरवाजा और दिल का दरवाजा भी खुला है। ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। मारो साले को। नहीं नहीं, रुको, मत मारो, मत मारो उसे, रुको, स्टॉप, मत मारो। राम, तुम उन्हें मारने क्यों दे रहे हो? तुम उन्हें मारते क्यों नहीं? नहीं सीता, किसी भी प्रकार की हिंसा गलत है। वो तुम्हें मार रहे हैं, उसका क्या? हिंसा का जवाब हमेशा हिंसा से देना जरूरी नहीं। इसका मतलब ये नहीं हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब हम शांति चाहते हैं। मैंने बचपन से यही सीखा है। इसने तो रुला दिया यार। सीता को हासिल करने के बाद जो किताबें इसने बचपन में पढ़ी है, मैं वही खरीदूंगा। एक मेरे लिए और एक सीता के लिए। वो कुछ कर नहीं रहा तो उसका फायदा उठा रहा है। मेरे को चप्पल मार। तेरी हिम्मत कैसे हुई? सीता, तुम ठीक तो हो ना? मेरे अंकल ने कहा था सीता को मेरा ख्याल रखना और मुझे सीता का। क्या रे, मारेगा? मुझे मारेगा? मार के दिखा। मैं सीता को हाथ लगाने को नहीं बोला बे उल्लू। नहीं मैम, आगे मत जाओ मैम। मैम रुक जाओ प्लीज। मारना, आजा आजा। ऐसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अरे दम है तो हाथ लगाना। क्यों, फट गई क्या? मर्द नहीं है क्या? जवाब दे। क्या कहा? ये मर्द नहीं है क्या? नहीं है। ए, तू मर्द नहीं है क्या? अरे वाह, जरा शांति रखो। इस मोटू की मर्दानगी को ललकारा इसने। ललकारा है इसकी मर्दानगी। पशाक है ये, मर्द नहीं लगता। नहीं लगता। बोला था ना मैंने। क्या है तेरी तो मैं। तुम डर क्यों रही हो? मैं तो राम से बात करने आया हूँ। ये अग्रीमेंट कहता है कि एक महीना ये मेरे साथ बिताएगी, लेकिन अब ये मुकर रही है। अब फैसला तुम ही करो। क्या ये सच है? ये सही कह रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ले जाइए इसे। एक महीने बाद वापस छोड़ देना। जाओ सीता। ले जाइए सर, जाओ सीता। लड़के तो इससे जीत नहीं पाया, फिर याद आया कि क्यों ना इसके भोलेपन का फायदा उठाया जाए। सीता को मत ले जाओ, अपने भले के लिए। अबे तूने ही तो कहा ले जाओ इसे। जब सीता ने ये साइन किया वो मेरी पत्नी नहीं थी, लेकिन अब वो मेरी पत्नी है। इसे साथ ले गए तो पता है मैं क्या करूंगा? तू ही बता दे क्या करेगा। जब रावण ने सीता का हरण किया था, तब जो श्री राम ने किया था, मैं भी वही करूंगा। तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। चल आ जा, दमे तो ले जा इसे। मेरी बीवी तो क्या, तुम किसी भी लड़की के साथ ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसमें कुछ गलत नहीं है। अभी दिखाता हूं तुझे। Oh
Ha 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 ha!